का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है, मेरे पिता का नाम रजिंदर सिंह है। मैं आप जी के सामने एक साखी लैके पेश हो रही हाँ, जिसका विषय है बीबी कौला जी। बीबी कौला जी एक हिंदू घराने की लड़की सन। उन्होंने बचपन में काजी रुस्तम खां ने उन्होंने उन्होंने मापिया पासों खरीद लिया से उन्होंने इस्लाम धर्म की सिक्ख्या दी। इस्लाम धर्म की उचेरी सिक्ख्या काजी रुस्तम खां ने बीबी कौला जी सूफी साईं मियां मीर जी पास पढ़ने लिए पा दिता। साई मियाँ मीर जी एक सूफी फकीर सन। वह किसी भी धर्म नाल कोई वितकरा नहीं करते सन। उन्होंने गुरु नानक देव जी के घर नाल बहुत प्यार सी। इस करके वह श्री गुरु साहिब जी नूं अमृतसर विखे रोजाना मिलन लई जाया करते सन। तो जब गुरु साहिब जी लाहौर विखे आते तो वह भी साई जी नूं मिले बिना ना जाते। इस तरह दियां मिलनियां करके साई मियाँ मीर जी नूं गुरु साहिब जी गुरु नानक साहिब जी की कुछ बाणी कंठ हो गई, जिस विचों वह अपने शागिर्दां नूं उदाहरण दिया करते सन। तो इस तरह बीबी कौला जी नूं श्री गुरु नानक साहिब जी की कुछ बाणी कंठ हो गई। बीबी कौला जी अपने मन की खुशी लई इस बाणी नूं रोज़ गाया करते सन। बीबी कौला जी का गुरु घर नाल लगन होर भी बढ़ गया जदों उन्होंने गुरु साहिब ते कुछ सिखा नूं लाहौर तों अमृतसर तों लाहौर विखे आ के रोगियों की सेवा करते हुए देखा। एक दिन बीबी जी अपने घर विच बाणी पढ़ रहे सन। तो काजी रुस्तम खान ने उन्होंने बाणी पढ़ते हुए सुन लिया। काजी रुस्तम खान ने उन्होंने डांटिया अते कहा कि तू इन्हां काफिरां दी बाणी क्यों पढ़ रही है। तो बीबी कौला जी ने कहा, अब्बा जान ये काफिर किवें हो सकते हैं। साई मियाँ मीर जी तो इन्हों अपने नाल बनाने मान समझते हैं अते इन्हों बड़े प्यार अते निम्रता नाल सिजदा करते हैं। काजी रुस्तम खान गुस्सा आया, उसने बीबी जी नूं मारिया अते बाणी पढ़न तों इनकार कर दिता। उस तों बाद बीबी जी ने कहा कि मैनू मार देवो, मैं पर गुरबाणी बिना नहीं रह सकती। तो काजी रुस्तम खान ने होर काजियां नाल इस गल बारे सलाह मशवरा किया। तो उस उन्होंने कहा कि साढ़े मोमन धर्म विच काफिरां दी बाणी पढ़ना ते उन्होंने तारीफ करना एक बहुत वड्डा गुनाह है। इस गुनाह लई उसनों कतल कर देना चाहिए है। जो साई मियाँ मीर जी ने इस गल का पता लग्या तो उन्होंने बीबी कौला जी को 1626 ईस्वी में गुरु साहिब को अमृतसर विखे पहुँचा दिता। अमृतसर विखे पहुँच के बीबी कौला जी का गुरु घर नाल प्यार होर भी बढ़ गया। गुरु साहिब जी ने बीबी कौला जी के रहने वास्ते खास प्रबंध किया। 1627 ईस्वी में गुरु साहिब जी ने बीबी कौला जी के कौल ते अटल रहने लई कौलसर सरोवर का निर्माण कराया। 1630 ईस्वी में बीबी कौला जी का करतार कौर साहिब विखे देहांत हो गया। काजी रुस्तम खां वर्गे गुरु घर के दुखियों के घर में रह के भी बीबी कौला जी का गुरु घर के नाल बहुत प्यार सी। सानू इस कहानी तो इस साखी तो सिक्ख्या मिलती है कि असी भी वध तो वध गुरबाणी पढ़िए ते गुरु घर नाल जुड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।